चुनाव चुनाव भाई आपकी हरजोरी में भी हम जो हमारी प्रथम लेडी महिला प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जो 160 हम उनकी बर्थ एनिवर्सरी जो मना रहे हैं यहाँ हरजोरी में, इंदिरा जी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। उन्होंने जो काम किए, उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, उन्होंने हरी क्रांति लाई, उन्होंने 1974 में पोखरण किया, परमाणु बम फर्स्ट इंदिरा जी ने किया, जो आज लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं उन्होंने 1974 में कर दिया था। इंदिरा जी एक बहुत महान लेडी थी, उनको प्रिय दर्शनी इंदिरा गांधी, इंदिरा प्रिय दर्शनी भी उनका नाम था, बोला जाता था, उनको एक आयरन लेडी भी कहा गया। इंदिरा जी ने जब पोखरण किया और जो दूसरे हमारे दुश्मन देश थे उन्होंने हम पर पाबंदियां लगा दी, हमारी इकोनॉमी जो है थोड़ी मतलब उसमें थोड़ा हमें तंगी आ गई, और उस गरीबी की हालत में इंदिरा जी ने 1971 का पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, बांग्लादेश का मतलब उन्होंने एक मतलब दूसरा देश बना दिया, तोड़ दिया। और इंदिरा जी के जो काम हैं मतलब आज उनको हमें उनकी उन कामों को देखते हुए, उनके बलिदान को देखते हुए उन्होंने एक अपना नारा दिया था उड़ीसा की, उस दिन जिस दिन उनकी दूसरे दिन मृत्यु हुई, उस पहले दिन वो उड़ीसा की उसमें थी, दौरे पर थी, और उन्होंने उस उड़ीसा के दौरे में उन्होंने कहा कि अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो मेरा खून का एक एक कतरा जो है इस देश के काम आएगा। और इंदिरा जी को आज हम सच्चे दिल से हमारी यही श्रद्धांजलि होगी कि आज आज पूरा हिंदुस्तान जो है श्रीमती इंदिरा गांधी जो हमारी स्वर्गीय, आज उनका जन्मदिन है, और हमारा जम्मू कश्मीर खिता रजौरी पीर पंचाल, हमारा रजौरी का डिस्ट्रिक्ट जो है, हमारा रजौरी पीसीसी के मेंबर और रजौरी डिस्ट्रिक्ट कमेटी श्री शबीर खान साहब की क़यादत में वो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, और किसी वजह से आज वो कहीं दूसरी जगह बिजी हैं जम्मू में, तो उनकी क़यादत में हम जो ये इंदिरा गांधी जी का दिन मना रहे हैं। इंदिरा गांधी वो लीडर थी कि इतिहास गवाह है कि जिन्होंने जब उनका टाइम था, जब उनका दौर था, तो आज भी दुनिया उनको याद करती है, न्यू जनरेशन उनको याद करती है। इंदिरा जी ने जब अपना दौर जब उनका था, तो उन्होंने जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री होते हुए वो काम किए कि वो एक आयरन लेडी थी, और उन्होंने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, और जिसमें आज बांग्लादेश एक बना हुआ है। ऐसी प्रधानमंत्री जो गरीबों के बारे में और सेकुलरिज्म जो सेकुलरिज्म में विश्वास रखती थी, और खासकर गरीब तबका जो है, जो नौजवान है, जो नौजवान पीढ़ी है, हमारी बहनें मर्द औरतें जितने हैं उनके बारे में जो है, वो नई जनरेशन जो पढ़ी लिखी थी उनके बारे में, उनको कैसे तरक्की में आगे ले जाना, और खासकर जो है प्रधानमंत्री ने जब उनका जो टाइम था, उस टाइम हमारा मुल्क जो था इतना तरक्की पर था, महंगाई पर कंट्रोल था, महंगाई नहीं थी, और हमारा नौजवान जो था वो उनको दिल में चाह होती थी कि हम कोई देश के लिए काम करें। लेकिन आज जो दौर है, ये आज महंगाई जो है, हम
हम किसी पर ब्लेम नहीं देते हैं, लेकिन आज का जो दौर है, प्रधानमंत्री जो आज के दौर पर हैं, हम कहते हैं कि आप उसी तरह इंदिरा गांधी जी के रास्ते पर चलें ताकि देश पर खुशहाली आए और हमारा नौजवान जो है तरक्की करे। आज जो दूर दूर से हमारे लोग आए हैं यहाँ, जैसे हमारे प्रिंसिपल साहब आए हैं, पृथ्वीराज जी आए हैं, भोला राम जी हैं, चोपड़ा साहब हैं, पीसीसी के मेंबर हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट है हमारे शर्मा साहब हैं, मोहम्मद अक्रम हैं, लोन साहब हैं, जितने लोग भी का दिन मनाया और उनको श्रद्धा। फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्रीमती इंदिरा गांधी, उनके जन्मदिन के सिलसिले में हम इकट्ठे हुए हैं और उनके जन्मदिन पर हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। वो हमारे देश की एक फलादी औरत थी, उनके दौरे हुकूमत में हमारे देश ने गुनागुत तरक्की की ली है, जिसमें उन्होंने 20 निकाती प्रोग्राम शुरू किया था। वो 20 निकाती प्रोग्राम के तहत उन्होंने बैंकों को नेशनलाइज किया, प्राइवेट इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया, सोशलिज्म को मजबूत किया, डेमोक्रेसी को मजबूत किया, सेकुलरिज्म को मजबूत किया। उसके साथ देखिए, उनके दौर में हमारे देश में ज़राअत जो है, ज़राअत में खुद कफील था, हमारा देश डिफेंस में मजबूत था। उन्होंने 1974-75 के अंदर जो है फर्स्ट जो है एटॉमिक टेस्ट उन्होंने किया था, और उसके बाद 1980-81 के अंदर हमारे देश का जो खलाई सफर था श्रीमती इंदिरा गांधी के दौर हुकूमत में शुरू हुआ, जिसमें फर्स्ट जो खवाबाज थे राकेश शर्मा थे, उनका चांद पर उतारा गया था। और इसके साथ साथ हमारे देश के अंदर जो बेरोजगारी थी श्रीमती इंदिरा गांधी ने खत्म की, हमारे देश के अंदर गरीबी हटाओ का नारा श्रीमती इंदिरा गांधी ने लगाया था और गरीबी गुर्बत पर कंट्रोल पाया गया। और आज हम देखते हैं कि हमारे देश का आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना हुआ है, आज वो देख रहे हैं, चाहे वो डिफेंस के हथियार हों, चाहे एग्रीकल्चर का मैदान हो, चाहे साइंस के मैदान हो, ये श्रीमती इंदिरा गांधी की देन है। हम उसको बार बार ये सलूट करते हैं, जिसकी बदौलत से हमारा देश आज मजबूत हुआ है। हमारा यही खाज़ा है कि इस किस्म के आयरन फलादी लोग हमारे